press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello guys, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका इस वीडियो में. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपना ब्रीफ फ्रेम अपलोड कर सकते हैं फेसबुक पे. दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे आप फेसबुक फ्रेम डिजाइन कर सकते हैं, पर इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसके अपलोड कर सकते हैं ताकि सब लोग यूज कर सकें. तो इसके लिए आपको एमसेट ब्राउजर जरूरी है. क्यों जरूरी है, मैं इसको आगे बताऊंगा. एमसेट ब्राउजर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो मुझे भी थोड़ा बेनिफिट होगा. तो सबसे पहले आप google.com पे जाइए, वहां पर टाइप करिए एबी फ्रेम स्टूडियो. दोस्तों, ये वही है स्टूडियो जहां पर हम लोग अपलोड करेंगे अपना फ्रेम जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिजाइन किया था. यहां पर पहली लिंक आ गई है, उसे क्लिक कर दीजिए. कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा. फिर आप यहाँ पर जाके रिक्वेस्ट डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए. दोस्तों, मैंने ऐसे बोला इसलिए कि इसमें आप मोबाइल में ही डेस्कटॉप साइट विजिट कर सकते हैं, और डेस्कटॉप साइट इसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें डिजाइन करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू मोबाइल साइट. फिर क्रिएट अ फ्रेम में क्लिक करिए. क्रिएट अ फ्रेम क्लिक करने पर कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा, तब आप ऊपर ओपन फ्रेम स्टूडियो पर क्लिक कर दीजिए. फिर अपलोड आर्ट पे अपना जो आपने फ्रेम डिज़ाइन किया है उसे सेलेक्ट कर लीजिए. तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है. फिर नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नीचे ब्लू बटन पे दिया होगा, और ऊपर वहाँ पर सेलेक्ट एज ओनर कर लीजिए. मैं यहाँ पर अपना पेज ऑल ट्रिक्स मेनिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, एफबी पेज. फिर यहाँ पर नेम में डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ डाल दूँगा एटीएम फ्रेम. आप चाहे तो कीवर्ड्स लोकेशन भी सेट कर सकते हैं फ्रेम की. फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए. ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कैसा मोबाइल वाइल पे दिखेगा. फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए. यहाँ पर हम लोग का इफेक्ट पब्लिश हो रहा है. ये हम लोग का हो चुका है, यहाँ पर डन कर दीजिए. फिर आप मैनेज पिछले पेज में जाएंगे, आप मैनेज इफेक्ट्स होगा उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा. तो अपना फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपना फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए. फिर ऊपर एक्शंस पे जाइए, वहाँ पर लिखा होगा शेयर एस पेज, उस पर क्लिक कर दीजिए. तो यहाँ पर शेयर करने का आ जाएगा. यहाँ पर आएगा दो ऑप्शन, फेसबुक शेयर या फिर प्रोफाइल पिक्चर शेयर. तो प्रोफाइल पिक्चर शेयर हम करेंगे तो इस तरह का प्रीव्यू दिखाई देगा. फिर आप इसे शेयर कर दीजिए. ये हमारा शेयर हो चुका है. यहाँ मैंने अपना फेसबुक पेज खोल लिया, जैसा कि दिखा सकते हैं यहाँ पर फ्रेम दिखा चुका है. यहाँ अगर नीचे आप ट्राई इट पर क्लिक करेंगे तो ये डीपी दिखा देगी, डीपी में फ्रेम के साथ दिखा देगा अपलोड. यहाँ पर आप टाइम भी सेट सकते हैं कितने टाइम के लिए, वो एक दिन, एक घंटा, जितना भी. फिर कस्टम टाइम भी सेट कर सकते हैं आप.
यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट शायद प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पर हमारा फ्रेम दिखा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर अगर यूज करेंगे तो ये फ्रेम के साथ डीपी अपलोड हो जाएगी आपके। दोस्तों आपने सीख लिया होगा अब तक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।